हेलो दोस्तों, दिस इज करण दिस साइड विद द मैसूर टिप्स फॉर टुमारो। कल दोस्तों 9 रेसेस हैं, 1 बजे से रेस चालू है। बड़ा सारी नंबर ऑफ रेसेस ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी एज यूजल। जो 2 दिन से चल रहा है वैसे ही कुछ होने की उम्मीद है, बट बहुत घुमा फिरा के देख लिया, गड़बड़ तो नहीं दिख रही है। हाँ मतलब एक कुछ होता है ना, कार्ड में आपको दिख जाता है गड़बड़, जैसे हैदराबाद मैंने बोल दिया था गड़बड़ है, दिल्ली में आज गड़बड़ था इसलिए मैं टिप ही नहीं डाला। ठीक है, दिख रहा था कि ये लोग गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पे बहुत तोड़ मरोड़ के देख लिया मैंने, शाम से बैठा हूँ अभी तक कुछ नहीं, बाहर आउटसाइडर दिख रहा है। मारने लगे वहाँ पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए अब टिप्स पे आते हैं दोस्तों। पहली रेस में ये टॉबिन पसंद है, विन प्लेस के लिए बहुत अच्छा रन लिया है। और ट्रेनर से पूछा गया तो ट्रेनर ने बोला पहले बीमार था, इसके पैरों में प्रॉब्लम थी, उसके बाद इन्होंने ठीक करते करते घोड़ा एक बार में मतलब जब ठीक हो गया प्रॉपरली उन्होंने छोड़ा घोड़ा, एंड घोड़ा जीता है। तो एक ये है, और अमेजिंग ब्यूटी एक प्लेस के लिए पसंद है। दूसरी रेस में आते हैं दोस्तों। दूसरी रेस में मुझे रॉयल डिज़ाइन विन प्लेस के लिए पसंद है। दिनेश पुजर का कदम मुझे डबल दिख रहा है रामस्वामी के साथ, एक आर एन दर्शन और रॉयल डिज़ाइन, बहुत अमेजिंग काम है इसका। लास्ट दिन मैंने आपको फेयर फील्ड दिया था, इस बार फिर सिर्फ प्लेस के लिए बोलूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे को बट लग रहा है रॉयल डिज़ाइन विन करेगा। तीसरी रेस आते दोस्तों। तीसरी रेस में मुझे एट द टॉप विन प्लेस के लिए पसंद है। राकेश का घोड़ा है, 3/4 लेंथ से हारा है, एक बार शॉर्ट हेड से जीता है, घोड़ा जीत जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक अच्छे राइडर को बिठाया गया है यहाँ पे, एक नेवल ग्लोरी से बस मुझे डर है। नेवल ग्लोरी पीसी तेजस्वी का घोड़ा है, बट 9 साल का है, ये 6 साल का है, एक एडवांटेज तो इसके पास है अभी भी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप एट द टॉप ही खेलिए इन प्लेस। इसमें एक आउटसाइडर घोड़ा बन रहा है, एंजल बर्ड नंबर 6, ये आउटसाइडर बन रहा है, बट रंजीत शिंदे का मेरे को इतना भरोसा नहीं लग रहा। लास्ट दिन ही वो डबल करके बैठा हुआ है तो शायद इस बार ना चला इतना। सरप्राइज पैकेज मुझे प्लेस के लिए इसमें पसंद है। चौथी रेस आते हैं दोस्तों। चौथी रेस में मुझे पिलग्रिम विन प्लेस के लिए पसंद है, तो ये आप खेलिए अगर आपको पसंद आए तो। और प्रीमियर रेस सिर्फ प्लेस इस बार भी कर पाए, उससे ज़्यादा इसका दिख नहीं रहा है। रशियन स्पाई इसमें विड्रॉ हो गया है, रशियन स्पाई जो इसमें घोड़ा है 11 नंबर, ये विड्रॉन है। पाँचवीं रेस आते हैं दोस्तों। पाँचवीं रेस में मुझे सिद्धानी गुड करके पसंद है विन प्लेस के लिए, ये घोड़ा जीतना चाहिए, काम बहुत अच्छा कर रहा है ट्रैक में, ये घोड़ा मेरे हिसाब से जीतना ही चाहिए। जी साहिब वंशी को बिठाया है, इसके बस एक टक्कर है वो है वेन्यू वी डी वी सी, बट इतना भी स्ट्रांग नहीं, बट इसका काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को सिद्धानी का, तो जीत जाना चाहिए। इसके बाद छठी रेस आते हैं दोस्तों। छठवीं रेस में मुझे किंग्स का मार्ट ट्रेवर का घोड़ा पसंद है, घोड़ा गुड करके मुझे पसंद है ये वाला भी। वो दिनेश पुजर जो मैं बोल रहा था आपको डबल करेगा रामस्वामी के लिए, वो ये है दूसरा घोड़ा। बड़ी रेस दिन की आते हैं। 6,70,000 का कप है, इसमें मुझे अश्व ब्रूनी पसंद है विन के लिए, घोड़ा जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। आठवीं रेस आते दोस्तों। आठवीं रेस में मुझे एक तो कैंटाबेरिया पसंद है प्लेस के लिए, दूसरा मुझे स्टॉमी अटलांटिक ट्रेवर का ही पसंद है, अपने मंजरी के लिए चलाने आया मेरे हिसाब से जिता के जाएगा। नवीं रेस आते दोस्तों। नवीं रेस में मुझे टैशकंट प्लेस के लिए पसंद है, और सिगेरा मेरे को गुड करके पसंद है। ठीक है, तो सिगेरा 9 नंबर गुड करके पसंद है मुझे। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।